हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ राधिका पाटिल और राधिकाज कुक हाउस एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 2 जुलाई और बाहर देख रहे हैं आप पूरा अंधेरा है। अभी 5:15 हो रहे हैं तो उजाला तो हुआ नहीं है, लेकिन चिड़ियों की चहकने की आवाज आ रही है, आप सुन सकते हैं। तो ये तो चहकने की आवाज़ तो मुझे अभी ऐसे ना डेली की आदत हो गई, बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी लगती है। तो चलिए, इस नए दिन में आपका स्वागत है, इस नए जर्नी में आपका स्वागत है। आज फिर हम वॉकिंग करेंगे और कुछ फ्रूट्स, तो ब्रेकफास्ट में तो फ्रूट्स लूंगी, लंच में कुछ नया बनाएंगे और शाम को इवनिंग में मेरे किसी फ्रेंड से अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं गाइस। ये वार्म वाटर विथ लेमन है, इसमें मैं हनी नहीं डालती हूँ जिसे मैं हमेशा बताती हूँ। और ये 5 आलमंड्स है पानी में भिगे हुए, तो आप इसमें हनी डाल के पी सकते हो। और एलिमेंट्स की जगह आप जो भी आपके मन के ड्राई फ्रूट्स है वो ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में लेना है। तो चलिए इसे पीते हैं और वॉकिंग को चलते हैं। 55 तक होने जा रहा है, 5:55, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रिटर्न आ गई हूँ। मैंने मेरा 1 आवर का जो वॉकिंग है वो कंप्लीट कर लिया और रिटर्न आने के बाद में मैं थोड़े से ड्राई नट्स ले रही हूँ, मतलब एक खारिक है, थोड़े 3 से 4 पिस्ता है और 2 क्या कहते हैं अखरोट लिया है। तो वैसे ड्राई नट्स भी आप ले सकते हैं, तो ये थोड़ा लेने का मुझे इच्छा हुआ तो मैं वो ले रही हूँ। तो अभी आगे ब्रेकफास्ट में तो फ्रूट्स लूंगी और लंच में जो मैं बनाऊंगी वो आपको दिखा दूंगी, और डिनर में फिर से इवनिंग में फिर से आपसे कोई मेरी एक जो फ्रेंड आने वाली है गेस्ट के रूप में उनसे मिलवाऊंगी, उनसे बातें करेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं फूड के लंच के समय में। और डिनर का जैसे मैंने आपको बताया कि मैं क्लिप जोड़ नहीं रही हूँ क्योंकि वो सूट नहीं हो रहा है इसलिए, तो लेकिन डिनर में मैं लाइट ही ले रही हूँ, दाल राइस या फिर किसी प्रकार का सूप या फिर ज्यादातर दाल ले रही हूँ। उसमें 1 टीस्पून घी डालना ही है, घी आपके हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो कम से कम 1 डे में 1 टीस्पून तक घी या 1 टेबल स्पून तक घी आप लीजिए ही लीजिए। आज लंच में मैं ओनियन भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। ओनियन भिंडी बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर उसमें 7 से 8 लहसुन की कलियां बारीक कटी डाली है और 5 ओनियन को पतला लंबा बारीक काट कर डाल दिया है। ओनियन डालने के तुरंत बाद भिंडी डाल देना है, ओनियन को अलग से पकाना नहीं है, भिंडी और ओनियन दोनों साथ में पकेंगे। तो ये मैंने 750 ग्राम भिंडी ली है, 3 पाव, इसी में डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर देना है। अब भिंडी को अच्छे से पका लेंगे। भिंडी के अच्छे से पकने के बाद उसमें 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक डाल देना है और 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डालना है और मिक्स कर लेना है। तो ये ओनियन भिंडी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये मेरी आज की लंच की थाली है, इसमें मैंने 1 रोटी विदाउट ऑयल की ली है, 1 बाउल दाल लिया है विदाउट फ्राई किया हुआ, उसमें 1 टीस्पून घी डाला है, ओनियन भिंडी लिया है और थोड़े से सैलेड्स लिए हैं। भिंडी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पाया जाने वाला यूगेनॉल डायबिटीज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। भिंडी खाने से कैंसर को दूर किया जा सकता है, खासतौर से कॉलन कैंसर को दूर करने में भिंडी बहुत ही हेल्पफुल है। भिंडी हमारे हार्ट को स्वस्थ रखता है, इसमें मौजूद पेक्टिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू राधिकाज कुक हाउस एंड लाइफस्टाइल। सो गाइस, इट्स टी टाइम, चलिए चाय पीते हैं। तो जो हमारी सीरीज़ चालू है मुझे लग रहा है आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तो आज के इस सीरीज़ में और अगेन मैं एक लेडीज़ को, मेरी फ्रेंड को लेके आई हूँ, उन्हें देख के भी आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे। और अब बता दो कि वो भी मदर इन लॉ है और उनको देखने के बाद कहीं से भी आप नहीं कह सकते, इतनी अधिक स्मार्ट रहती है, इतनी अधिक अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखा है, पूरे अपने घर को भी, उनके घर में आप जाएँ तो देखेंगे घर भी इतने अधिक अच्छे से रखती है, खुद को इतने अधिक अच्छे से रखती है, मतलब वो देख के
आप मोटिवेट हो जाओगे। मुझे तो अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही हंसमुख और बहुत ही स्वीट स्वभाव की है। और उनका आपने सिंगिंग भी देखा होगा, मैंने एक वीडियो डाला था जो मेरा इसमें रंग होली के समय में एक वीडियो डाला था मैंने, तो उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा सिंगिंग किया था। सिंगिंग में बहुत ही बेस्ट है, किसी दिन अगर हुआ तो मैं उनका सिंगिंग भी आपको जरूर दिखाऊंगी। बहुत ही क्लासिकल सिंगिंग बहुत अच्छा करती है, दिखने में तो है ही स्मार्ट। तो चलिए अब उनसे मिलेंगे और उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, उनसे थोड़ी दो चार बातें करेंगे। वेलकम 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 रेशमा, वेलकम। देखिए इनकी तरफ देखिए, कहीं से भी लग रही है मतलब मदर इन लॉ है, मतलब कहीं से भी हम बिलीव नहीं कर सकते। इतना सुंदर अपने आप को मेंटेन करके रखा है, बहुत ही अधिक और दिखने में भी एकदम खूबसूरत है। तो अब इससे ही जानते हैं कि इसकी खूबसूरती का राज क्या है। तो रेशमा अपने बारे में थोड़ा बताओ, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा बताओ। हाय फ्रेंड, मैं रेशमा रेवणकर हूँ। सबसे पहला राधिका तेरे को थैंक्स, तूने मेरे लिए कुछ तो देखा है, अभी तूने बुलाया, आज लग रहा है सही में मैं हो सकती हूँ, मैं सुंदर हूँ। मेरे को पता है मैं सुंदर हूँ, तूने बुलाया तो मैं सुंदर हूँ। मेरे को दो बेटे हैं, बहू भी है, दोनों बेटे सी है, और मैं सुबह को जल्दी उठती हूँ, कम से कम दिन में मेरा 7-8 हजार वॉक का स्टेप हो जाता है। और मेरा घर पे प्लांट्स भी है, उसका सब देखभाल करना, घर पे ज्यादा काम मैं करती हूँ, बहू भी जॉब करती है, घर का सब रूटीन का काम, घर का प्रेस का कपड़ा भी सब मैं करती हूँ, और सब घर का खाना बनाना ये सब है मेड है, बाकी मैं ज्यादा मेन काम सब मैं करती हूँ। फिर हम कोंकण से तो हम लोग का नारियल का सब वो फिश का ही ज्यादा खाना बनता है, वो मेड से सब है ना, हमारा घर वाले को सब पसंद आता नहीं, वो सब खुद हमको बनाना पड़ता है। फिर ये रश्मि वो सब हम लोग फ्रेंड्स है, शाम को हम लोग घूमना मस्ती मजा सब हम लोग का पूरा दिन चलता रहता है। और हम लोग बाहर से सुंदर नहीं है, मैं अंदर से सुंदर है, मतलब हम लोग अपने आप को हम लोग बहुत खुश रखते हैं, जो हम लोग भगवान ने हमको जो दिया है ना उसमें हम खुश है, ना ज्यादा किसी का है देखना नहीं, किसी का कम है और नहीं, हमको जो मिला है ना हम उसमें बहुत खुश है। घूमना फिरना हंसना सबसे हम लोग हिलमिल के रहते हैं हर चीज में, इसके लिए हम लोग खुश है, यही हमारा लाइफ का फंडा है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। इसकी एज बहुत कम है, मतलब इनकी भी कम उम्र में शादी हुई थी 17 की तरह, मतलब हम लोग एक ही लाइन पे आ जाते हैं। वो कैसे माँ बाप रहते ना अपने, फटाफट भगाओ भाई जल्दी से, जितना अच्छा लड़का मिल गया तो कर दो शादी, उस टाइप के उस जमाने के ही हम लोग। मेरे ज्यादातर ना जो अभी न्यू फ्रेंड्स है सबकी एज कम एज में शादी हो गई, तो दैट्स व्हाई हम लोग जल्दी जल्दी बच्चे बड़े हो गए, तो जल्दी जल्दी दामाद और बहू सब आ गए हैं। तो देखो ना कहां से किस एंगल से लग रही है मदर इन लॉ, कौन से एंगल से लग रही है, तेरा भी दामाद है, मेरा भी सास है, सेम टू यू, हम लोग मॉडर्न सासू माँ है। ओके रेशमा, अब थोड़ा मेरे राधिका को खास के बारे में बताओ, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, मेरा काम कैसा लग रहा है? नहीं तेरा तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा तो काम कर रही है, तेरे वजह से हमको भी लग रहा है ना, हमको भी और ज्यादा डाइट करना चाहिए, और एक महीने का तूने पूरा प्लान बनाया ना वो सब देख के मैं भी सब फॉलो कर रही हूँ, हो सकता है लग रही हुई नहीं, हाँ तू तो पतली हो रही है, तू बोल रही है ना 4 किलो वजन कम हुआ है, तेरा देख देखते मेरा 1 किलो तो वजन कम हुआ रहेगा, तेरा डाइट का सब मैं भी फॉलो कर रही हूँ, तू बहुत अच्छा काम कर रही है, आगे भी ऐसा करते रहना, हमको भी बुलाते रहना, बिल्कुल लव यू, थैंक यू यार, थैंक यू।
तो गाइज मेरे मतलब अभी तक तो जितने फ्रेंड है, मैं ये सब फ्रेंड ना मुझे रश्मि की वजह से मिला था, इसलिए मैं रश्मि को हमेशा थैंक यू कहूंगी। बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड मिले मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकती। कहते ना लाइफ में फ्रेंड्स की बहुत जरूरत रहती है, तो जो अच्छे फ्रेंड्स है बहुत मुश्किल से मिलते यार, मिल गए तो उसे संभाल के रखो, आई थिंक सो। तो ऐसे मुझे एकदम मतलब दिल खुला। तेरा नेचर बहुत अच्छा है, तू कितना है उससे भी ज्यादा हम लोग का तारीफ करके हमको ऊपर चढ़ा देती है। ये तेरा एकदम अच्छा है, मैं उधर बैठ के भी बोलती हूँ, मतलब राधिका हम लोग है 50, वो हमको 100 तक पहुंचा देती है करके। नहीं, एक्चुअली जो हीरा रहता है ना उनको परख नहीं रहती है, वो उनको नहीं मान पाता कि वो हीरा है। तो मैं बता रही हूँ ये लो हीरा डायमंड है यार। मुझे सच में मैं भगवान को भी बहुत, मैं इनके सामने भी हमेशा बोलती रहती हूँ कि सच में मैं थैंक बोलूंगी कि इतने सुंदर सुंदर फ्रेंड मुझे दे दिए भी राधिका को। खास की जो रीस्टार्ट में मुझे जर्नी में ये जो न्यू फ्रेंड्स मिले हैं बहुत ही मन के सच्चे, बहुत ही मिठास, बहुत ही मीठे है। मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ ना उतनी तारीफ कम है, मेरे पास शब्द नहीं उतने अच्छे फ्रेंड्स मिले मुझे। आपको आप लाइन से भी एक एक नजर आएंगे, दिखेंगे मेरे इस जर्नी में। अभी जो मेरे जो लाइफस्टाइल का जो वेट लॉस का है उसमें तो मैंने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, लेकिन और दूसरे एक्स्ट्रा कुछ कुछ है उसमें मैं आपको सबसे मिलाऊंगी एक एक करके। सब बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे हैं। आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इनकी जर्नी पसंद आई होगी, इन्होंने जो अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताया वो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, पक्का शेयर करें, सब्सक्राइब करें पक्का। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद, बाय।